गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बीए थर्ड ईयर की क्लास में हम पिछले टॉपिक को ही आगे शुरू रखेंगे, जारी रखेंगे। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम पहले दो वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है और भुगतान संतुलन की संरचना किस प्रकार होती है। मैंने आपको बताया था उसमें क्रेडिट और डेबिट पक्ष होते हैं और उसमें तीन प्रकार के खातों को अलग अलग क्रेडिट और डेबिट पक्ष में रखा जाता है। तीन खाते मैंने आपको बताए थे, चालू खाता, पूंजी खाता और सरकारी भुगतान खाता। अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की कि एक शब्द बोला जाता है कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। संतुलित रहने का मतलब कि जो भुगतान संतुलन बीओपी होता है उसमें जितने एक्सपोर्ट होते हैं उतने ही इंपोर्ट होते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है संतुलन या साम्य की अवस्था। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हम कहते हैं कि भुगतान संतुलन सदैव साम्य में रहता है तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक देश का वह अकाउंट या वह हिसाब खाता या वह बही खाता उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो अब हम इसी बात को क्लियर करने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि बीओपी हमेशा ही बैलेंस्ड रहता है या संतुलन में रहता है, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जो बीओपी होता है वो दोहरी प्रविष्टि या डबल एंट्री के आधार पर लिखा जाता है, यानी कि उसमें जितनी भी एंट्रीज की जाती है वो डबल एंट्री होती है, उसकी दो बार एंट्री होती है और दोहरी प्रविष्टि होती है। कैसे होती है कि एक ही आर्थिक लेन देन को क्रेडिट और डेबिट दोनों ही पक्षों में दिखाया जाता है, और जब डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में दिखाएंगे तो ऑब्वियसली भुगतान संतुलन साम्य में रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये होता कैसे, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देने जा रही हूँ। मान लीजिए एक इंडियन फर्म है, यानी कि एक इंडियन उद्योग है, फैक्ट्री है या उद्योगपति है, वह एक अमेरिकन फर्म को सेल करती है कोई सामान जो कि $1,000 का है, ठीक है। भारतीय फर्म ने अमेरिकी फर्म को $1,000 का सामान बेचा, तो जब इसको बीओपी में लिखा जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट पक्ष हो गया, यहाँ पर हमारा डेबिट पक्ष हो गया। तो चूंकि मैंने आपको ये बताया है कि जब हम कोई सामान किसी को बेचते हैं या निर्यात करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है, भुगतान। यहाँ पे इंडियन फर्म ने अमरीकी फर्म को $1,000 का सामान बेचा, तो जो इंडियन फर्म है उसको कितने रुपए मिले, कितने रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ, ₹1,000 का। तो इसे हम क्रेडिट पक्ष में ₹1,000 से शो कर देंगे। लेकिन चूंकि बीओपी दोहरी प्रविष्टि के आधार पर लिखा जाता है तो यहाँ पर हम इस सौदे को न केवल क्रेडिट पक्ष में बल्कि डेबिट पक्ष में भी लिखेंगे। लेकिन डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा कि भारत से ₹100 की वह पूंजी जो उस सामान में लगी हुई थी अमेरिका में चली गई है। कैसे, देखिए, जब भारतीय फर्म ने कोई सामान बनाया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इस सामान में श्रम भी लगा, पूंजी भी लगी है, कच्चा माल भी लगा है, ठीक है। तो मान लीजिए इन सब की वैल्यू कितनी थी, $1,000 थी, ठीक है। तो जब $1,000 का सामान या पूंजी इस सामान में लगी है तो ये भी तो माना जाएगा कि जब भारत ने इस सामान को अमेरिका को निर्यात किया तो अमेरिका चली गई है भारतीय पूंजी जिसकी वैल्यू कितनी है, $1,000। चूंकि $1,000 की पूंजी अमेरिका में चली गई है तो इसे डेबिट पक्ष में भी शो कर दिया जाएगा। क्लियर, तो क्या स्पष्ट हुआ कि इस विधि के कारण, क्रेडिट और डेबिट पक्ष में दिखाए जाने के कारण बीओपी कभी भी असंतुलित नहीं होता है। लेकिन अगर विदेशी व्यापार के संबंध में सिर्फ एकल प्रविष्टि ही की जाए, एकल प्रविष्टि सिर्फ यही शो किया जाए क्रेडिट पक्ष, तो
बीओपी संतुलित, असंतुलित या साम्य में हो सकता है, लेकिन डबल एंट्री मेथड के कारण, दिस इज डबल एंट्री मेथड, तो ये हमेशा संतुलन में रहता है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न यह उठता है कि जब बीओपी हमेशा संतुलन में रहता है, हमने कहा बीओपी हमेशा साम्य में रहेगा क्योंकि दोहरी प्रविष्टि की जाती है, तो फिर जब हम कहते हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन साम्य में है या असाम्य में है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम बीओपी की अनुकूलता या प्रतिकूलता की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कौन से खातों की बात करते हैं? हम केवल चालू खाते या पूंजी खाते के असंतुलन की बात करते हैं। क्लियर हुई बात? जब हम कहते हैं कि बीओपी अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो हम पूरे बीओपी की बात नहीं करते हैं, उसके किसी एक पक्ष की बात करते हैं, वो चालू खाता हो सकता है या पूंजी खाता हो सकता है। क्लियर? अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये चालू खाता या पूंजी खाता में असंतुलन के क्या कारण है, कौन से रीजन है जिसके कारण बीओपी असंतुलित होता है, और इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बीओपी में अगर असंतुलन है, यानी कि कंडीशन ये है देश के निर्यातों से ज्यादा देश के आयात है, तो ये बीओपी के असंतुलन को दर्शाते हैं, तो इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जब असंतुलन की स्थिति का मतलब ही ये है कि निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, तो ऐसे कार्य किए जाएं जिससे देश के निर्यातों में वृद्धि हो। ठीक है, देश के निर्यातों में वृद्धि हो, तो निर्यातों में वृद्धि करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले हम बात करते हैं निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि हमारे देश में ऐसे उत्पादक जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती है, तो ऐसे उत्पादकों को, ऐसे उद्यमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे, उन्हें विभिन्न प्रकार की उत्पादन में रियायतें दे, करों से छूट दे, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और उस प्रोडक्शन को वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके। जब यहाँ से ऐसे निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो इससे देश का निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो वो आयातों की तुलना में ज़्यादा होगा और बीओपी का असंतुलन कम होने लगेगा। पहली थी कि निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरी बात, आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाए। आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब ये है कि हमारे देश में जो वस्तुएं आयातित हैं, यानी कि दूसरे देशों से मंगाई जा रही हैं, उन वस्तुओं को आयात करना बंद किया जाए और उन वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो घरेलू स्तर पर ही बढ़ा दिया जाए, उत्पादन घरेलू स्तर पर ही किया जाए, तो इसको कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, यानी जो आयातित वस्तु है उनको प्रतिस्थापित किया जाए घरेलू उत्पादन से। तो दो बातें हो गई कि अगर बीओपी में असंतुलन है, यानी कि निर्यात देश के कम है, आयात जाता है, तो सबसे पहले निर्यात बढ़ाए जाए और आयात कम किए जाए। निर्यात बढ़ाने के लिए जो निर्यातक उत्पादक है उनको प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न प्रकार की रियायतें, करों में छूट, विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके उत्पादन की लागतें कम हो, वो प्रोडक्शन बढ़ाए और उस प्रोडक्शन को हम निर्यात कर सके। द सेकेंड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाते हुए जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं उनको
मंगाना बंद किया जाए और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही किया जाए, तो इससे क्या होगा, एक तरफ निर्यात बढ़ेंगे और दूसरी तरफ आयात कम होंगे और धीरे धीरे ये जो इम्बैलेंस है ये बैलेंस की तरफ होने लगेगा। दो बातें हो गई। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण की। इसका क्या मतलब है? प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो जो वस्तुएं आयात और निर्यात होती हैं उनके संबंध में भी विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाए जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख नियंत्रण है आयात कोटा, प्रशुल्क, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम भारत के संदर्भ में ही बात करते हैं, अगर भारत को अपने बीओपी के असंतुलन को दूर करने के लिए आयातों को कम करना है तो वो आयातों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगाते हुए आयात कोटा और प्रशुल्क, जिसे टैरिफ भी बोलते हैं, इसकी नीति अपनाएगा। इसके तहत क्या करेगा भारत, जो बाहर से वस्तुएं मंगाई जा रही है, आयात की जा रही है, उनका एक कोटा निर्धारित कर देगा, क्वांटिटी निर्धारित कर देगा। या तो वह क्वांटिटी मूल्यों के अंतर्गत हो सकती है या मात्रा के अंतर्गत हो सकती है। जैसे मान लेते, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको, कि अगर मान लीजिए जो भारत है वो अमेरिका से कंप्यूटर मंगाता है तो कंप्यूटरों का वो आयात कोटा इस तरीके से निर्धारित कर सकता है। अगर उसे कंप्यूटरों का आयात कम करना है, वो ये कह सकता है कि वह साल में 2000 कंप्यूटर ही मंगाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मंगाएगा, तो इसे बोलते हैं मात्रात्मक कोटा। ठीक है, यहाँ पे मात्रा बता दी कि 2000 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं मंगाए जाएंगे, इसे बोलेंगे मात्रात्मक कोटा। और दूसरी बात क्या हो सकती है, मूल्य वाले कोटे भी तय कर सकते हैं कि एक साल में भारत अमेरिका से 1000 करोड़ के ही कंप्यूटर मंगाएगा। तो ये हो गया मूल्यगत कोटा नियंत्रण। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देश को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन को नियंत्रण में लाना है तो वह प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत आयातित वस्तु का कोटा तय कर सकता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है प्रशुल्क या टैरिफ। इसमें क्या होता है, इसमें जो देश होता है वो बाहर से आने वाली वस्तुओं का बॉर्डर पर जब वो देश में एंटर करती है तो वहां पर टैक्स लगा देता है उनके ऊपर। टैक्स लगाने से क्या होता है कि वो वस्तुएं देश में महंगी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो वह वस्तु आयात होना कम हो जाएगी अपने आप। तो दो तरीके हो गए प्रत्यक्ष नियंत्रण में, या तो प्रशुल्क लगा दिया जाए या कोटा निर्धारित कर दिया जाए। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं पूंजी प्रवाह गतियां बढ़ाई जाए। अब ये पूंजी प्रवाह गतियां क्या होती है, पूंजी प्रवाह गतियों का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री इंटरनेशनल संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आदि से क्या करती है, ऋण लेती है। ठीक है, इसके अलावा विदेशी सरकारों से भी ऋण ले सकती है और जो संस्थाएं हैं अन्य उनसे भी ऋण ले सकती है। हालांकि लिया जा रहा तो ऋण है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चाहे उधार से पैसे आए लेकिन पूंजी खाते में इसको देश के लिए मतलब भुगतान ही माना जाएगा कि देश को भुगतान प्राप्त हुआ है, देश में पूंजी आई है, यानी कि देश के जो निर्यात आयात है वो बड़े हैं, इनको देश में प्राप्तियों में दर्शाया जाता है। कैसे प्राप्तियों का मतलब, ये आयात नहीं माने जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब निर्यात किए जाते हैं तो निर्यातों के बदले भुगतान प्राप्त होता है, तो ये भी एक प्रकार का ऋण क्या है, भुगतान ही है, इसे भी क्रेडिट पक्ष में ही दिखाया जाएगा और ये देश के बीओपी को कम होता हुआ दिखाएगा। ठीक है, हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि निर्यातों को बढ़ाया जाए, आयातों को कम किया जाए, प्रत्यक्ष नियंत्रण लगा दिए जाए, देश में पूंजी के प्रवाह को बढ़ाया जाए, चाहे वो प्रवाह ऋण लेके ही बढ़े लेकिन ये देश में भुगतान प्राप्त होने को ही शो करेगा। एक है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन दिया जाए। हाँ,
हालांकि ये बहुत छोटी चीज लग सकती है, लेकिन पर्यटन बहुत से अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, जैसे बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी पर्यटन की ही है। अगर किसी देश को अपना BOP ठीक करना है तो उसे निर्यातकों को उसे विदेशी पर्यटकों को आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए ताकि विदेशी पर्यटक इजीली देश में आ सके, क्योंकि विदेशी पर्यटक अपने साथ क्या लाते हैं, विदेशी मुद्रा लाते हैं जिसे वो यहाँ खर्च करते हैं, इससे भी देश का जो BOP है वो संतुलन में आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट रह रहा है, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी अभी, कि निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, BOP या संतुलन में है, क्या किया जाए, निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो निर्यातक वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करें और देश का निर्यात बढ़े, आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जाए, जो वस्तुएं देश में आयातित हैं उनको आयात बंद करके खुद ही उत्पादन करना शुरू किया जाए तो आयात कम हो जाएंगे, प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा आयात को कम किया जाए, कोटा तय किया जाए और टैरिफ तय किया जाए, पूंजी प्रवाह गतियां बढ़े, देश में अन्य संस्थाओं से, देशों से, व्यक्तियों से उधार लिए जाए, तो ये उधार एक बार तो देश में पूंजी की गतियों को ही बताएंगे, ये क्रेडिट पक्ष में शो किए जाएंगे, पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट दो पॉइंट है जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, भारतीय मुद्रा की उपलब्धता या घरेलू मुद्रा की उपलब्धता को कंट्रोल किया जाए या उसे फैला दिया जाए, उससे भी निर्यात और आयातों पे फर्क पड़ेगा, वो किस तरह पड़ेगा मैं आपको शो करती हूँ। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो कि BOP को ठीक करने में काम आ सकता है उसकी बात करने वाले हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगी, BOP में असंतुलन का मतलब ये है कि देश के निर्यात कम है, आयात ज्यादा है, ये असंतुलन है। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्यातों को बढ़ाना पड़ेगा और आयातों को कम करना पड़ेगा। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और ज्यादा ही निर्यात बढ़ गए तो सिचुएशन और भी अच्छी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, क्लियर। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है तो हमें निर्यातों को बढ़ाना है और आयातों को कम करना है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले आयातों को कम करने के तरीके तो बता ही दिए, अब हम बात करेंगे निर्यातों को बढ़ाना है तो कैसा बढ़ाया जाएगा। देखिए, निर्यात का मतलब क्या हुआ, विदेशियों द्वारा देशी वस्तुओं की खरीदारी ही निर्यात होती है। तो निर्यात बढ़ाने का मतलब ये है कि विदेशियों द्वारा देशी वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ाया जाए, क्लियर। अब ये विदेशियों द्वारा देशी वस्तुओं की खरीदारी कब बढ़ेगी, जब विदेशियों के पास हमारी घरेलू मुद्रा ज्यादा हो। हम भारत की ही बात कर लेते हैं कि भारत का निर्यात कब बढ़ेगा, जब विदेशियों के पास भारतीय वस्तुओं की खरीदारी को बढ़ाया जाए, और ये निर्यात कब बढ़ेगा, जब विदेशियों के पास हमारी भारत की मुद्रा ज्यादा हो। इनके पास मुद्रा होगी जब राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा यानी कि भारतीय मुद्रा आसानी से प्राप्त की जा सके। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा अन्य देश के लोग आसानी से या सस्ती कब प्राप्त कर सकेंगे, जब भारतीय मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाए या घट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारतीय मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घट जाए या घटा दिया जाए, तो वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में एक सस्ती वस्तु हो जाएगी, जिसका मूल्य कम हो जाता है वो सस्ती वस्तु हो जाएगी, और सस्ती वस्तु हो जाने के कारण अन्य विदेशी मुद्राओं से उसे आसानी से खरीदा जा सकता है, और आसानी से और ज्यादा मात्रा में खरीदा जा सकता है, क्लियर। और जब जिन देशों के पास भारतीय मुद्रा ज्यादा मात्रा में होगी वो भारतीय वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे, और जब वो भारतीय मुद्रा को ज्यादा मात्रा में खरीद पाएंगे तो इसका मतलब है भारत के निर्यात क्या हो रहे हैं,
बढ़ रहे हैं। तो दो तरीके हैं जिससे भारतीय मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट सकता है, वो दो तरीके कौन से हैं कि या तो अवमूल्यन किया जाए या मूल्य ह्रास हो। हालांकि होता दोनों में एक ही काम है, या तो अवमूल्यन किया जाए या मूल्य ह्रास किया जाए, ठीक है, या तो डी वैल्यूएशन किया जाए या डेप्रिसिएशन हो। इसका क्या मतलब है? मूल्यह्रास और अवमूल्यन दोनों से ही एक देश के निर्यात बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या होता है कि जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन या मूल्यह्रास हो रहा है, उस देश की मुद्रा का की विदेशी विनिमय दर प्रतिकूल हो जाती है। विदेशी विनिमय दर प्रतिकूल हो जाती है, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उस देश की मुद्रा सस्ती हो जाती है, और जो सस्ती चीज होती है वो खरीद ली जाती है, और उससे भारतीय जो वस्तुएं हैं वो इजीली खरीद ली जाएगी। तो हम वापस इसी पॉइंट पर आते हैं कि अवमूल्यन और मूल्यह्रास क्या होता है। जब कोई देश जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देता है, जानबूझकर घटा देता है, तो वो क्या कहलाता है? अवमूल्यन करना कहलाता है, यानी कि जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया गया, दैट इज अवमूल्यन। लेकिन जब आर्थिक स्थितियां ही ऐसी हो जाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि देश की मुद्रा का मूल्य स्वयं घट जाए, अपने आप घट जाए, तो उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि बीओपी असंतुलन में है तो क्या किया जाए? बीओपी असंतुलन में है तो अवमूल्यन कर दिया जाए, क्योंकि अवमूल्यन करने से एक देश के निर्यातों में वृद्धि होती है। निर्यातों में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि देश का प्रोडक्शन खरीदने के लिए अन्य देशों के पास उस देश की जो मुद्रा है वो आसानी से, घरेलू मुद्रा आसानी से उन देशों को उपलब्ध हो जाती है। आसानी से उपलब्ध क्यों हो जाती है? क्योंकि अवमूल्यन किए जाने के कारण देश की मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मनी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और देश के निर्यात बढ़ने लगते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, एक बार मैं लास्ट में समराइज कर देती हूँ। हमने यहाँ सबसे पहले पढ़ा कि व्यापार संतुलन क्या है, ठीक है, पहला हमने पढ़ा व्यापार संतुलन क्या है, फिर हमने पढ़ा भुगतान संतुलन क्या है, फिर हमने भुगतान संतुलन क्या है के बाद में पढ़ा भुगतान संतुलन की जो संरचना होती है वो कैसे होती है, फिर मैंने आपको दोहरी प्रविष्टि के बारे में बताया, उसके बाद में हमने बात की कि जो भुगतान संतुलन में असंतुलन होने का क्या मतलब होता है, और फिर इस असंतुलन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।